रोहित जी नमस्कार। नमस्कार। मित्रों, आज ही हमारा कार्यक्रम शुरू हुआ है और इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं जाने माने अभिनेता और लेखक रोहित तिवारी। रोहित तिवारी ने बहुत सी फिल्मों में काम किया है, 10 से ज्यादा फिल्में वे कर चुके हैं। किरण राव, आमिर खान की पत्नी के साथ उन्होंने धोबी घाट में काम किया, पहली फिल्म थी उनकी। फिर इंदु सरकार, लखनऊ सेंट्रल, गोल्ड, मिशन मंगल, ड्रीम गर्ल, हाथी मेरे साथी, द बिग बल, हेलमेट आदि में उन्होंने काम किया। इसी के साथ वे थिएटर ग्रुप से भी जुड़े हुए हैं। खास बात यह है कि थिएटर में भी उनकी खास पहचान है। थिएटर वालाज नाम का एक ग्रुप है जो मुंबई में रंगमंच पर प्रस्तुतियां देता है। खास और एक और खास बात यह है कि रोहित ने खुद वो सब नाटक लिखे भी हैं। तो रोहित जी, ये बताएं कि मुंबई में ये माना जाता है कि जो लोग रंगकर्मी हैं उनका फिल्मों में बहुत आसानी से उनको जगह नहीं मिलती, क्योंकि वहां खांचे बटे हुए हैं कि ये फिल्म वाले हैं, ये नाटक वाले जी हैं। ऐसा क्यों है? जी मैं एक चीज कहूंगा, ये कुछ समय पहले तक जरूर था ऐसा कि थिएटर वालों को फिल्मों में काम करने में दिक्कत तो नहीं होती थी, पर हाँ एक खांचा जैसा बना हुआ था कि ये थिएटर वाला एक्टर है। और उसका एक कारण ये था कि जिस तरह का थिएटर काफी समय से हमारे यहाँ हो रहा है, जो एक क्लासिकल थिएटर जैसा हमारे यहाँ होता था और जिस जी तरह का परिवेश भी था रंगमंचों का, उसके कारण जो एक्टर्स होते थे वो थोड़े से लाउड समझे जाते थे कि उनकी एक्टिंग जो है, उनके एक्सप्रेशंस जो हैं, वो सारी चीजें हाँ काफी लाउड हैं। और क्योंकि काफी समय पहले तक दो ही माध्यम से थिएटर था और फिल्में थी, टीवी उसके बाद आया और उसके बाद अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आए, तो जब जी तक सिर्फ फिल्में थी तो बड़े पर्दे पर वो एक्सप्रेशंस जो मेकर्स थे उनको लगता था कि ये काफी लाउड एक्सप्रेशंस कर रहे हैं, या इस कारण से हाँ खाका बना हुआ था थिएटर एक्टर्स का। पर फिर टीवी आया और टीवी के बाद जब ओटीटी प्लेटफॉर्म आया तो उसने हाँ चीज को पूरी तरीके से ब्रेक कर दिया है, क्योंकि उन लोगों को एक चीज ये रियलाइज हुई कि थिएटर के जो कलाकार हैं वो ऑलरेडी मंझे हुए हैं, अपनी विधा पे काम करते आ रहे हैं और उनको अलग अलग किरदारों की, अलग अलग परिवेशों की समझ है, बिकॉज बहुत तरह के नाटक करते आ रहे हैं। तो अब मैं कहूंगा कि थिएटर के कलाकारों को बल्कि प्रेफरेंस मिल रहा है, उनको एक एक एडवांटेज है अगर आपने अच्छे से थिएटर किया हुआ है, कन्वेंशनल ये किया है या एक्सपेरिमेंटल जैसा भी, तो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे और आजकल फिल्मों में भी, बिकॉज फिल्मों का जो कंटेंट है वो भी काफी चेंज हुआ है, तो अब थिएटर वालों को प्रेफरेंस मिल रहा है, एक फायदा है। अगर थिएटर करके आप आ रहे हैं तो आपको डेफिनेटली एक बेनिफिट। थिएटर की बहुत सी हस्तियां हैं जिन्होंने फिल्मों में बड़ी अच्छी जगह भी बनाई है, ये बात भी सही है। लेकिन ये कहा जाता है कि थिएटर जो है वो कलाकार का माध्यम है और फिल्म डायरेक्टर का माध्यम है। ये बिल्कुल, इसमें कितनी सच्चाई है, ये इसमें शत प्रतिशत सही है, शत प्रतिशत मैं इस बात से बिल्कुल आपकी सहमत हूँ कि थिएटर जो है वो एक कलाकार का माध्यम है, और इसीलिए बहुत सारे एक्टर्स जो हैं जो थिएटर बैकग्राउंड से आए हैं या जिन्होंने भले ही फिल्म या टीवी करने के बाद थिएटर करना शुरू किया, और जो एक कहते हैं कि जिनको चस्का लग गया, तो फिर जैसे नसीर साहब हैं कि वो फिल्में करते आ रहे थे लेकिन उन्होंने थिएटर नहीं छोड़ा, बिकॉज थिएटर का जो चस्का है, बिकॉज वहां पे वो पूरी तरीके से कलाकार के हाथ में है। हम महीने भर रिहर्सल करें, 2 महीने रिहर्सल करें, लेकिन जब स्टेज पे पहुंच जाते हैं, जब स्टेज पे एक नाटक शुरू हो जाता है, एक प्रस्तुति शुरू हो जाती है, तो उसके बाद सब कुछ सिर्फ कलाकार के हाथ में रहता है। उसके बाद डायरेक्टर जो है उसका कोई काम नहीं रह जाता, महीने भर जो उसे बताना था या जो उसे डिजाइन करना था उसने कर लिया, लेकिन जब एक बार कलाकार स्टेज पर पहुंच गया उसके बाद सिर्फ कलाकार के हाथ में है कि वो उस नाटक को किस दिशा में ले जाता है या उस चरित्र को किस दिशा में ले जाता है। जबकि फिल्मों में या टीवी में या कैमरे के सामने अगर मैं वैसे कहूँ तो हम जो भी परफॉर्म करें, हम जितना भी परफॉर्म करें, लेकिन फाइनली डायरेक्टर और एडिटर जो रहते हैं, जब वो टेबल पर बैठते हैं और एडिट करना शुरू करते हैं, तो वो उनके हाथ में रहता है कि कट किस डायलॉग के बाद या किस लाइन के बाद या किस पर्टिकुलर सीन में, किस सिचुएशन में कैसे कट्स लगाने हैं। तो उस केस में फिर यही रह जाता है कि आखिरकार जी सारी चीज जो रहती है वो डायरेक्टर के हाथ में रहती है कि वो किस कलाकार के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई कहानी कह रहा है, और उसी हिसाब से फिर जो सारी एडिटिंग जो रहती है, जो सारा स्टोरी का फ्लो रहता है वो उस हिसाब से बनता है, तो वहां पे वो पूरी तरीके से डायरेक्टर के हाथ में हो जाता है। लेकिन स्टेज पे एक तरीके से कहे तो कलाकार
को एक खुला मैदान मिल जाता है जहां वो जैसे चाहे दौड़ लगा सकता है, जैसी गुलाटियां चाहे मार सकता है। तो इसलिए बहुत सारे एक्टर्स जो रहते हैं उनको, जिनको स्टेज का चस्का है, वो स्टेज नहीं छोड़ना चाहते कहीं, जब मौका मिले तब एक बार उस पर कूद जाते हैं, बिकॉज अपना मीडियम रहता है तो एक फ्रीडम रहता है। लोग कहते हैं कि फिल्मों के पीछे जो राजनीति होती है वो एडिटिंग रूम में होती है बहुत ज्यादा। बहुत अच्छे कलाकार हैं, जो जो हीरो है वो कहता है कि अच्छा ये इस कलाकार ने मुझसे अच्छे डायलॉग बोले, इसका डायलॉग काट दो, इसका सीन काट दो। ऐसा हीरोइनों के साथ भी होता है, जो बड़ी अभिनेत्रियां हैं वो अपने से कमतर या नई अभिनेत्रियों के जो अच्छे सीन होते हैं वो कटवा देती हैं अपनी शक्ति का, प्रभाव का इस्तेमाल करके। अब ऐसा होता है। ऐसी ऐसी कहानियां मैंने भी बहुत सारी सुनी हैं, अभी तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है, तो मैं इस पे परोक्ष रूप से एकदम डायरेक्ट तो नहीं कह सकते कि हाँ ऐसा होता है। सुनी है मैंने बहुत सारी ऐसी बातें सुनी हैं, लेकिन मेरे साथ अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, तो मैं अभी तक तो यही मानता हूं कि ऐसा नहीं होता है। पर अगर हो भी रहा है तो कई बार, कई केसेस में ये भी होता है कि कहानी कई बार किसी कलाकार को या किसी किरदार को जब कागज पे लिखा जाता है तो वो बहुत अच्छा बन पड़ता है, लेकिन जब ओवरऑल फिल्म शूट होके आती है और जब उसको हम स्क्रीन पर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कई सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं जिनका लगता है कि इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि सिनेमा जो है एक पूरी तरीके से एक विजुअल मीडियम है, एक दृश्य माध्यम ज्यादा है। तो जहां भी ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा वर्बोज हो रहा है, बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा बातें बोली जा रही हैं, बातें हो रही हैं, तो ऐसे केसेस में भी कई बार एक मजबूरी रहती है कि चीजों को काटना पड़ जाता है। कई बार ऐसा होता है कि एक कई बार एक्टर्स का भी ये रहता है कि उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन वो जो सीन है वो ऐसा है कि वो कहीं ना कहीं कहानी में खटक रहा है या कहानी को कहीं आगे नहीं ले जा रहा है, तो ऐसे केसेस में भी कई बार एडिटिंग होती है। तो पर हाँ, मतलब बड़े कलाकारों की जो है ये कहानियां मैंने भी सुनी है, तो सुनी सुनाई है, जब तक मेरे ऊपर ऐसा कुछ ना हो तब तक मैं इसके बारे में ऐसे पुख्ता तौर पर तो नहीं कह सकता। जी, अब धोबी घाट आपको कैसे मिली और किरण राव के साथ काम करने का अनुभव कैसा रहा? सर, धोबी घाट की स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। उस समय मैं नया नया ही मुंबई में आया हुआ था, और उसके पहले मैंने इंदौर में कुछ साल नाटक किए थे, अलग 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 ग्रुप्स के साथ भी किए थे। उसके बाद हमने अपना खुद का ग्रुप थिएटर वाला 2007 में शुरू किया था, मैंने और मेरे कुछ और साथी थे जिन लोगों ने मिलके। और उसके बाद फिर 2008 में मैं मुंबई आ गया था, और उस समय तक मुझे फिल्म इंडस्ट्री का कुछ भी आइडिया नहीं था। बस मैं दिमाग में आया कि नहीं यार, अब इस लाइन में करियर बनाना है, क्योंकि वो थिएटर करके मजा आ गया था कि ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग। और मैं एक फ्रेंड के साथ अपार्टमेंट शेयर कर रहा था, गीतिका श्याम एक बहुत अच्छी एक्टर है, इंदौर की ही है, तो उनकी फैमिली के साथ मैं उस समय रह रहा था, बिकॉज नया नया था, मुझे ज्यादा मालूम नहीं था। तो उन्होंने मुझे बताया कि मुंबई यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है वहां पे किसी फिल्म के लिए ऑडिशन हो रहे हैं, और उस दिन संडे का दिन। तो मैंने बोला चलो अपन चलते हैं, तो बोले नहीं मैं तो नहीं जा रहा, तुमको जाना हो तो एक बार चले जाओ। तो मैं संडे के दिन पहुंच गया वहां पे मुंबई यूनिवर्सिटी में, ढूंढता ढांढता कि कहाँ पे है, और जो थिएटर डिपार्टमेंट जो था उसका, जो उसकी जो क्लासेस जहाँ पे लगती थी, काफी बड़ा कैंपस है मुंबई यूनिवर्सिटी का कलीना में, तो वहां पे जो क्लासेस के पास में एक एरिया था जहाँ पे एक बड़ी लंबी सी खाली दीवार थी, एक तरफ लेडीज टॉयलेट था, एक तरफ जेंट्स टॉयलेट था, और दोनों के बीच में एक खाली दीवार थी लंबी सी। उस दीवार के सामने खड़े होकर ऑडिशन हो रहे थे वहां पे, और एक कोई असिस्टेंट डायरेक्टर था जो एक हैंडीकैम लेके आए थे, और उन्होंने वहां पे बेसिकली उन्होंने इसलिए किया था कि थिएटर के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हीं में से कोई कैरेक्टर मिल जाएगा उनको, तो इसीलिए उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी के थिएटर डिपार्टमेंट में कर रहे थे। अब मुझे पता लगा तो मैं भी चला गया, उन्होंने स्क्रिप्ट दी, मैंने वो सीन्स याद किए और वहां पे परफॉर्म किया, तो उनको पसंद आया वो चीज, फिर मुझे ऑफिस में बुलाया गया एक और बार एक ऑडिशन के लिए। वहां पे फिर एक प्रॉपर ऑडिशन ऑफिस में हुआ, और उसके बाद फिर, और उस समय तक मुझे ये नहीं मालूम था कि क्या फिल्म है, क्योंकि नए नए थे, तो एक हिचक भी थी कि ऐसे कैसे कोई काम के लिए बुला रहा था, ऐसे कैसे पूछ ले कि भाई कौन है फिल्म में, क्या फिल्म है बताओ हमको। उस समय यही खुशी थी कि चलो भाई ऑडिशन मिल गया तो चलो परफॉर्म आपको करते। पता नहीं था कि ये ऑडिशन लेने वाला कौन है, कंपनी कौन सी, पता ही मुझे नहीं ये था मालूम था कि आपको? एक फिल्म के लिए ऑडिशन ले रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये ज्यादा नहीं कुछ मालूम बताया था ही कि नहीं था किरण राव है, आमिर कौन फिल्म खान है बना रहा आपको? है, फिल्म में कौन है, कुछ भी नहीं मालूम। अच्छा, तो ये हुआ, फिर उन्होंने सेकेंड राउंड ये किया, तो मैंने ठीक है चलो हो गया। वो फाइनली कैरेक्टर प्रॉपर्टी ब्रोकर का एक कैरेक्टर था जिसके लिए मुझे फाइनल कर लिया, मैं बड़ा खुश हुआ चलो पहला काम मिल गया। फिर मैं पृथ्वी थिएटर पे था,
तब मेरे पास फोन आया कि परसों आपका शूट, उन्होंने पहले ही डेट दे दी थी, फिर 2 दिन पहले मेरे पास फोन आया कि परसों आपका शूट है और सुबह 7 बजे आपको मोहम्मद अली रोड पे पहुंचना है, एक चाल थी और सारी बात हो गई, ऐसा ऐसा है, ये है और ये आपको सीन मैंने भेज दिया है। 2 ही कैरेक्टर्स थे, मैं था और एक और कैरेक्टर था, जो दूसरा कैरेक्टर जो था जिसके कोई डायलॉग्स नहीं थे, तो अरुण कैरेक्टर का नाम था। तो उसने बोला ये है, सारी डिटेल्स दी, फिर बोले यू नो हु इज प्लेइंग अरुण राइट? मैंने नहीं, मुझे कुछ भी नहीं मालूम है फिल्म के बारे में। बोले इट्स आमिर खान। तो उस समय मेरे को 2 दिन पहले पता लगा कि मेरा 1-on-1 सीन जो है वो आमिर खान के साथ है। धोबी घाट वॉज मेरा फर्स्ट कैमरा एक्सपीरियंस होता, उसके पहले तक मैंने प्रोफेशनली कैमरे के सामने कुछ भी नहीं किया। स्टेज पे नाटक किए थे इंदौर में, कुछ छोटे मोटे दोस्तों के साथ जो वीडियोस बनाते थे वो किए थे, लेकिन प्रोफेशनल कुछ नहीं था। तो ऐसे फिर 2 दिन बाद, जब 2 दिन पहले मुझे पता लगा, और उन्होंने बोला अभी आप किसी को मत बताइए, बिकॉज उस समय तक उन्होंने ये चीज लीक रिवील नहीं की थी कि धोबी घाट में आमिर खान इज लीड। तो मजा बहुत आया था क्योंकि काफी फ्रेश टीम थी, सब लोग नए थे, जो डीओपी थे उनका भी मतलब डायरेक्टर का डेब्यू था, मेरा डेब्यू था, डीओपी का डेब्यू था, काफी सारी टीम जो थी नए लोग थे, फर्स्ट टाइमर्स थे जो कर रहे थे। तो मजा आया, इंटरेस्टिंग तरीके से एक फ्रेश एनर्जी थी, काम किया, छोटा सा ही रोल था पर मजा आया। वहां पे जो मोहम्मद अली रोड, इतना भीड़ भाड़ इलाका, कब की बात है? ये है 2008 की बात है, 2008 एंड की बात है। मैं जनवरी फरवरी में शिफ्ट हुआ था और ये आई थिंक सितंबर या अक्टूबर में मैंने शूट किया था वहां पे। तो हाँ, ये तब की बात, मतलब ऑलमोस्ट 12-13 साल हो गए उस चीज को, हो चुके हैं। आप मुंबई गए और आपको मौका मिल गया, कह सकते हैं कि बिना हाँ, एक ज्यादा। तरीके से पहले 6-8 महीने में ही एक मौका मिल गया था, तो वो एक बहुत अच्छी बात रही मेरे लिए। और उसके बाद फिर मैं उस समय, मतलब मैं जाते ही सबसे पहले तो मैंने पृथ्वी में ही थिएटर करना, मतलब एक ग्रुप के साथ मिला मैं, वो लोग उस समय पृथ्वी में समर फेस्टिवल होने वाला था मार्च अप्रैल में, तो उसके लिए वो लोग कलाकार ढूंढ रहे थे, तो मैं गया, मैं मिला। तो उसके बाद तो मेरा पहला काम जो था वो पृथ्वी थिएटर में ही, मैंने जो समर फेस्टिवल में बच्चों के प्लेस थे 3-4 वो किए थे, प्लस एक दो एडल्ट प्लेस किए थे। तो मार्च अप्रैल में ये काम मैंने किया था, और ये जो फिल्म का काम था ये अराउंड सितंबर अक्टूबर आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, उसके आसपास हुआ। फिर अगले अगले ब्रेक कैसे मिले? दूसरी फिल्में कैसे मिली? दूसरी फिल्म में सर फिर वही ऑडिशंस के थ्रू ही, उस समय तक हम लोग, मतलब मैं जब गया था तब ऐसा था कि ईमेल वाला कल्चर और सोशल मीडिया का कल्चर उतना ज्यादा नहीं आया था, तो फोटोज जो एक पहले जो हुआ करता था कि एक स्टूडियो ढूंढ के एक पोर्टफोलियो बनवाया, 8-10 फोटोज खिंचवाए, और बजट भी ज्यादा नहीं था, तो इसलिए 10 फोटोज ही लिए, ज्यादा मेहनत नहीं की। एक स्टूडियो था जूहू में जो 1,000 रुपए में 10 फोटो देते थे, तीन अलग अलग चेंज, तीन अलग अलग चेंज, मतलब जैसे एक एक वेस्टर्न में हो गया, एक इंडियन में हो गया, और एक कैजुअल या फॉर्मल वैसा जो रहता है उस तरीके। तो वो 10 फोटोज खिंचवा के फिर उसकी कॉपीज करके अलग अलग, जहां पता लगा कि यहाँ प्रोडक्शन हाउस है तो वहां जाके फोटोग्राफ्स उसी उन्हीं में अपना ईमेल आईडी और नंबर लिख के, वो उससे शुरुआत हुई। तो वहां से कुछ एक जगहों से ऑडिशन के लिए कॉल्स आते थे और फिर उसमें कुछ काम मिला कुछ। उसके बाद धीरे धीरे फिर उस समय तक ईमेल्स का कल्चर थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया था, तो फिर एक पॉइंट के बाद आई थिंक 1-1.5 साल बाद ऐसा हुआ कि फिर वो लोग फिजिकल फोटोज नहीं लेते थे, ईमेल करते थे, तो जहां से जिसका ईमेल आईडी मिले उनको ईमेल कर रहे हैं, अपनी डिटेल्स ईमेल कर रहे हैं। और इस सब के साथ मैं थिएटर मैंने चालू रखा था, मैं अलग अलग ग्रुप्स के साथ बॉम्बे में जितने भी थे कई सारे ग्रुप्स के साथ मैंने काम किया, तो वो मेरा काम चल रहा था, और प्लस ये ऑडिशंस दे दे के और इस तरीके से ही काम किया। एक फिल्म थी जिसमें एक बहुत छोटा सा रोल था, वो ऐसे मिली कि मैं घर पे बैठा हुआ था, उस समय मैं वसई में रहता था जो कि मेन बॉम्बे से काफी दूर है, मतलब बाय ट्रेन भी वहां अंधेरी पहुंचने में ऑलमोस्ट 1.5 घंटा लगता है। तो मेरे पास फोन आया कि अरे क्या कर रहे हो? मतलब मैं फ्री हूँ। बोले शाम को एक शूट है। मतलब ठीक है। अपेरेंटली हुआ यह था कि प्रोडक्शन जो था उसने जिस मतलब जिस एक्टर को कास्ट किया गया था, प्रोडक्शन वाले उसको इन्फॉर्म करना भूल गए कि आज शूट है, और वो चंडीगढ़ में बैठा हुआ था और रात में उनका शूट था। तो एक रिपोर्टर का कैरेक्टर था, तो वो मुझे उस समय नया नया था, तो छोटे मोटे सब तरह के कैरेक्टर्स ही कर रहे थे। तो दोपहर में फोन आया कि शाम को 8 बजे फिल्म सिटी पहुंच जाओ। फटाफट रेडी होके ट्रेन में बैठ के वो गया, रात को 8 बजे पहुंचा, आई थिंक कुछ 12-1 बजे तक शूट खत्म हुआ और 2 बजे तक मैं वापस भी आ गया। तो ऐसे भी काम मिला है, पर मेन वही ऑडिशन का जो प्रोसेस रहता है, कास्टिंग डायरेक्टर्स को मिलके ऑडिशन देके और उस तरीके से ही बाकी। किन किन अभिनेताओं या अभिनेत्रियों के साथ आपको स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला और साथ में काम करने का मौका मिला, और किसने आपको बहुत अच्छा प्रभावित किया और किसको आप सबसे घटिया माने?
दोनों बातें। मैंने आमिर खान के साथ जो मेरी डेब्यू फिल्म थी, तो मैंने स्क्रीन उनके साथ शेयर किया। और एक और बात इंटरेस्टिंग जो रही है प्रकाश जी, वो ये रही है कि मेरे ज्यादातर फिल्मों में जो रोल्स थे मेरे वन ऑन वन मेन लीड के साथ ही रहे। तो उसका एक फायदा तो ये हुआ कि मैं सीधे मेन लीड के साथ काम कर रहा था। एक दूसरा फायदा, नुकसान ये हुआ कि मैं बाकी टीम के साथ, तो कई सारे ऐसे दोस्त थे जो आज मिलते हैं और उनसे कुछ बात होती है, फिर बात करते करते बात निकलती है कि भाई ये फिल्म, वो बोलते अरे मैं भी तो था उस फिल्म में। तो ऐसा भी हाँ कई सारे हुए, जैसे मैंने आमिर खान के साथ धोबी घाट में किया, गोल्ड में अक्षय कुमार के साथ, लखनऊ सेंट्रल में फरहान अख्तर के साथ, फिर मिशन मंगल में मेरा जो सीन था वो शर्मन जोशी के साथ था, ड्रीम गर्ल में थोड़ा अलग सीन था, तो मेन कास्ट के साथ नहीं था पर विजय राज जी के साथ किया सीन। फिर मिर्जापुर जो वेब सीरीज है उसका सेकेंड सीजन में, तो पंकज त्रिपाठी जी के साथ, उनके साथ काफी सारा काम उस सीजन में हुआ। उसके अलावा हाथी मेरे साथी में राणा डग्गुबाती जो तेलुगु एक्टर हैं और पुलकित सम्राट हैं, उनके साथ हुआ। इसके अलावा बिग बुल जो है मैं अभिषेक बच्चन के साथ किया। अभिषेक बच्चन के साथ एक और फिल्म है जो आने वाली है जिसका नाम है दसवीं, वो अभी रिलीज नहीं हुई है, तो वो एक फिल्म है। तो इन सभी कलाकारों के साथ मतलब काम करने का मौका मिला है मुझे। और सबसे आई थिंक अच्छा मेरा अनुभव सबसे अच्छा किसका? एक्सपीरियंस, सबसे अच्छा एक्सपीरियंस मुझे लगता है अभिषेक बच्चन के साथ रहा, बिकॉज ही इज अ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन। मतलब ऐसी एक हमको लगता है कि एक इमेज की भाई अमिताभ बच्चन के बेटे प्लस अभिषेक बच्चन, बट ऑन सेट ही इज वेरी फ्रेंडली, बहुत इजी टू वर्क विद, तो बहुत चिल्ड आउट है। मतलब ऐसा लगता नहीं कि आप, ऐसा लगता है आप अपने किसी जान पहचान वाले के साथ काम कर, तो बहुत कंफर्टेबल रहा। और थैंकफुली अभी तक कोई बुरा एक्सपीरियंस मेरा नहीं हुआ है। तो क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप अच्छे से हैं सेट पे और आप अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, तो और अगर आप अपने काम में ईमानदार हैं कि जो आपका सीन है, जो आपका रोल है, आप वो करके आए हैं, तो ज्यादातर चांसेस यही है कि ऐसा कुछ होगा नहीं। तो मैं बहुत पॉजिटिव उसके साथ ही सेट पे जाता हूँ। होते रहते हैं कुछ कुछ छोटी मोटी चीजें प्रोडक्शन को लेके, को एक्टर्स को लेके भी छोटी मोटी चीजें, बट वो पार्ट ऑफ द जॉब है कि अगर आप ऑफिस में भी जाते हो तो आपको सारे कलीग्स आपके एक जैसे नहीं मिलते। कुछ के साथ आपकी ट्यूनिंग रहती है, कुछ के साथ सिर्फ एक वर्क रिलेशनशिप रहता है, तो वैसे ही सेट पे भी होता है। पर थैंकफुली अभी तक कोई बुरा एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, तो ये एक अच्छी चीज है मेरे आपने लिए। पृथ्वी में बहुत सारे नाटक किए हैं, पृथ्वी थिएटर में कई शो आप कर चुके हैं। बहुत सारे, मैंने सुना कि पृथ्वी थिएटर में जगह पाना भी आसान नहीं है, क्या ये बात सच है? पृथ्वी थिएटर के हाँ रंगमंच बहुत में घुसना मुश्किल है, क्या? डेट्स मिलना बहुत मुश्किल होता है, डेट्स मिलना काफी मुश्किल होता है। क्योंकि कई सारे ग्रुप्स हैं जो काफी सालों से करते चले आ रहे हैं और उनका नाम, एक स्थापित नाम है यहाँ पे, तो उन लोगों को एक प्रेफरेंस मिलता है बिकॉज काफी सालों से हैं, सीनियर हैं और काम भी काफी, पृथ्वी से उस समय से जुड़े हुए हैं जब एकदम नया नया शुरू हुआ था और जब टिकट्स भी नहीं होती थी, और शो के बाद जो हैट कलेक्शन जिसको बोला जाता है कि चादर फैला के कलाकार खड़े रहते थे कि भाई आपको जैसा नाटक लगा हो उस हिसाब से आप जो भी योगदान देना चाहें, तो जो ग्रुप्स उस जमाने से जुड़े हुए हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि उनको एक प्रेफरेंस है। प्लस क्योंकि इतने सारे ग्रुप्स बॉम्बे के बाहर के डेट्स के लिए ट्राई करते रहते हैं और दिन बहुत लिमिटेड होते हैं, मतलब साल में सिर्फ 365 दिन है, लेकिन नाटक करने वाले और नाटक जो है वो बहुत सारे हैं हिंदी के, तो वो एक बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। तो मैंने अपने ग्रुप के थ्रू भी, हमने समर फेस्टिवल में 3-4 साल लगातार पृथ्वी में परफॉर्म किया, बच्चों के नाटक किए, बड़ों के नाटक किए। प्लस मैं जब तक मैंने अपना ग्रुप बॉम्बे में शुरू नहीं किया था थिएटर वाला से, तब तक दूसरे ग्रुप्स के साथ एज एक्टर भी कई सारे ग्रुप्स के साथ मैंने काम किया। पर हाँ ये एक चीज है कि बॉम्बे में, क्योंकि पृथ्वी हिंदी थिएटर के लिए एकमात्र एक जगह, जैसे दिल्ली में बहुत सारी वेन्यूज है, दिल्ली में ऑडियंस भी पूरे दिल्ली में कई जगह पर है, मंडी हाउस में ही अपने इतने सारे अलग अलग जगह हैं जहां पे आप परफॉर्म कर सकते हो, तो वो एक थोड़ी सी कमी बॉम्बे में होने के कारण पृथ्वी थिएटर पे बहुत सारा प्रेशर है कि क्योंकि कई सारे ग्रुप्स रहते हैं तो उसमें डेट्स मिलने में थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं। पर हाँ मतलब मैं लकी रहा हूँ कि मुझे काफी परफॉर्म करने का मौका मिला है। जुहू में होने से और पूरे फिल्म क्राउड के होने से भी भीड़ लगी वहां, कि तमाम जी बड़े बड़े कलाकार, तमाम बड़े बड़े अभिनेता, निर्माता, निर्देशक पृथ्वी में आते हैं नाटक देखने, शायद इसलिए जी भी ये जी इतनी प्रतिस्पर्धा है। हाँ नहीं, ये जो भीड़ जो आप बोल रहे हैं, ये भीड़ थिएटर के बाहर रहती है, जो अच्छा
जो इस फिराक में रहती है, जो हमने भी शुरू में किया, शुरुआती दिनों में हमने भी सुना था कि पृथ्वी के बाहर रहो, कोई ना कोई डायरेक्टर वायरेक्टर देख लेगा तो शायद कास्टिंग हो जाएगी। अब उतना नहीं रहा है, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया के कारण अब काम करने का तरीका काफी सारा बदल चुका है। हाँ पर इनिशियली जब मैं आया था तो पहले 2-3 साल यही रहता था कि जब काम कर रहे हैं, शूट कर रहे हैं तब ठीक है, अदरवाइज अगर कुछ नहीं है तो शाम को प्रति थिएटर पे पहुंचना है, जो भी अगर कोई अच्छा नाटक हो रहा है तो वो देखना है, और नहीं भी देखना है तो बाहर एक काफी सारे जान पहचान कैफेटेरिया वाले में फील्ड बैठे, से रिलेटेड लोग मिलते थे, कैफेटेरिया कैफेटेरिया में बैठ के गपशप कर लेना। में बैठ के। जैसे इंदौर में इंडियन कॉफी हाउस जो था वो एक लिटरेरी लोगों का एक अड्डा हुआ करता था कि आप शाम को वहां पहुंच जाइए तो कोई ना कोई आपको कोई लेखक कोई पेंटर कोई मिल जाएगा। तो वैसे ही एक्टर्स के लिए, फिल्म लाइन से जुड़े हुए लोगों के लिए पृथ्वी थिएटर हुआ करता था, तो वहां पे हम लोग रहते थे। और वहां से भी कई बार मतलब कुछ एड्स के लिए या इन चीजों के लिए बोला गया कि अच्छा आप एक्टर हैं, कि आप आके मिलिए यहाँ पे। वैसे तो वो बेनिफिट भी हुआ है, तो वो भीड़ बाहर रहती थी। नाटकों के काफी सारे, अब जैसे नसीर साहब हैं उनका है, नादिरा बब्बर है, इप्टा इप्टा के काफी सारे नाटक हैं, अपने दिनेश ठाकुर जी का ग्रुप है, तो ऐसे काफी सीनियर लोगों के ग्रुप्स हैं, तो वो डेट्स का वहां पे वो क्योंकि सीनियर हैं काफी सारे तो ऑब्वियसली उनको प्रेफरेंस मिलता है। पर ये जो आप डायरेक्टर प्रोड्यूसर वाली भीड़ बोल रहे हैं, ये थिएटर के बाहर रहती है एक्टर्स की। थिएटर वाला इसकी शुरुआत कैसे हुई और क्या इसकी खूबियां हैं? थिएटर वाला हम लोगों ने 2007 में शुरू किया था। इसका एक मेन कारण ये था कि जब इंदौर में हम लोग, मैंने जब थिएटर करना शुरू किया और धीरे धीरे और भी काफी सारे लोग जुड़े, तो एक चीज जो मुझे लगी थी उस समय, अभी तो काफी टाइम से मैं जुड़ा नहीं हूँ तो मुझे पता नहीं, लेकिन उस समय जो एक दिक्कत जो हमें सामने आई थी कि हम लोग चाह रहे थे कि क्योंकि इंदौर वैसे ही छोटा शहर था, बहुत सारे नाटक होते नहीं, बहुत लिमिटेड ग्रुप्स थे जो करते थे, और उसमें भी क्योंकि बड़ा ऑडिटोरियम में ऑडियंस जुटाना बड़ा मुश्किल होता था, तो छोटी छोटी जगह, महाराष्ट्र साहित्य सभा है, अभिनव कला समाज है, रामबाग में एक छोटा सा स्कूल है, तो ऐसी अलग अलग जगहों पर। तो उसमें हम लोगों की इच्छा थी, 3-4 जो हम लोग थे, हमारी इच्छा ये थी कि यार हम अलग अलग ग्रुप्स के साथ काम करें ताकि अलग अलग तरह की वो चीज समझ में आए। लेकिन इंदौर में हमने देखा कि सभी ग्रुप्स का अपना एक बहुत क्लोज नेट फैमिली थी, कि जो ग्रुप वाले हैं वो सिर्फ उसी ग्रुप के साथ काम करेंगे, दूसरे के साथ काम नहीं करेंगे या बाहर वाले को नहीं लेंगे, ये एक चीज थी। तो उसको ब्रेक करने के लिए फिर हम 5-6 लोग जो थे हमने मिलके थिएटर वाला शुरू किया ग्रुप। उसमें एक जो थोड़ा सा ऐसे सुनने में वो लगता है, बट जो हमने नाम भी रखा था थिएटर वाला, एस के बाद हमने अपोस्ट्रॉफी लगाया था कि सिर्फ एक थिएटर वाला के लिए नहीं, सारे थिएटर वालों के लिए, इसलिए थिएटर वाला में अपोस्ट्रॉफी एस के बाद है, कि कोई भी जो थिएटर करना चाहता है, जो नाटकों से जुड़ना चाहता है, वो मतलब उसका स्वागत है, आइए आप कीजिए, जैसे आप परफॉर्म करना चाहते हैं कीजिए। तो वो एक चीज थी जो हमने अपने ग्रुप में रखी। दूसरी एक और चीज जो मुझे खटकी थी वो ये थी कि इंदौर में, फिर मैंने बॉम्बे में भी देखा, ज्यादातर थिएटर ग्रुप्स वही नाटक बार 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 किए जा रहे हैं, जो मोहन राकेश ने लिखे या विजय तेंदुलकर ने लिखे या और भी जो पुराने सीनियर राइटर्स ने लिखे, बहुत अच्छे लिखे नो डाउट, लेकिन मुझे जो एक चीज लगी थी, कमी लगी, कि 1960 1970 की जो लाइफस्टाइल थी, जो लोगों का एक तौर तरीका था, वो बहुत अलग था आज के जमाने से। तो नए नाटक बहुत कम मिल रहे थे, तो थिएटर वालों की जो एक सबसे बड़ी खूबी वो ये है कि हमारे सारे नाटक जो है वो पूरी तरह से ओरिजिनल है। हमने सारे नाटक ओरिजिनल स्टोरीज पे लिखे हैं, एक या दो नाटक जो कहानियों को अडेप्ट भी किया है, तो वो अडेप्टेशन हमने, हमारी टीम ने ही है, हमारे राइटर्स ने ही किया है। तो ये एक बड़ी यूनिक चीज है कि हमारे सारे नाटक ओरिजिनल है, किसी भी एग्जिस्टिंग किताब को या एग्जिस्टिंग नाटक को उठा के नहीं किया है। हमारे कुछ 15-16 प्रोडक्शन है, उसमें बच्चों के नाटक हैं, बड़ों के नाटक हैं, लेकिन सारे ओरिजिनल। तो ये एक सबसे बड़ी चीज है। तो नाटक लिखने की शुरुआत आपने कब से की? नाटक लिखने की शुरुआत भी इंदौर में हुई थी, पहला नाटक मैंने इंदौर में ही लिखा था, और वो भी ऐसा था कि हम लोग थिएटर ग्रुप में थे तो ऐसी एक्सरसाइज के तौर पे इम्प्रोवाइजेशंस करते रहते थे। तो एक इम्प्रोवाइजेशन में बड़ा इंटरेस्टिंग से इम्प्रोवाइजेशन हुआ था, तो उसको डिस्कस किया, तो बात हुई कि यार इसको नाटक बनाया जा सकता है, ये बड़ा अच्छा सा एक कॉन्सेप्ट मिला है वो। जी और उस पे फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि कौन लिखे कौन लिखे, तो मुझे आइडिया था तो मैंने ऐसे लिखना चालू किया, और एक वो पहला नाटक जो था वो मैंने लिखा था। उसके बाद जब बॉम्बे, उसके बाद फिर वो एक नाटक लिख के मैं छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने, क्योंकि मुझे, मैंने कभी ऐसे मेरे अंदर से ऐसा नहीं था कि मुझे राइटर बनना है या राइटिंग, मुझे लगता नहीं था कि मैं लिख पाऊंगा। एक नाटक
मुझे लगा कॉन्सेप्ट आ गया तो लिख दिया। फिर जब बॉम्बे आए हम, बॉम्बे में यहाँ पे मैंने 2012 में एक थिएटर स्पेस की शुरुआत की थी। छत पे एक छत थी, एक पहचान वाले थे उनसे लेके, और उस छत पे हमने एक अल्टरनेटिव थिएटर स्पेस शुरू किया था जिसमें प्लेटफॉर्म्स लगा के और कुछ 50-100 दर्शक बैठ सकते थे और उसपे लोग परफॉर्म करते थे। तो वहां पे ऐसा हुआ कि जगह तो शुरू कर दी, अब लोगों को कैसे बताया जाए कि नाटक कर सकते हैं, तो अगर खुद नाटक करेंगे तो एटलीस्ट लोग देखने आएंगे और उनको लगेगा कि हाँ यार इस जगह पर कर सकते हैं। तो फिर उस समय ऐसी जरूरत हुई तो फिर मैंने कुछ करते हैं और कुछ कॉन्सेप्ट आया तो उस समय नाटक लिखा। और उसके बाद फिर क्योंकि जगह थी और ऐसा था कि रेगुलर नाटक करने हैं तो फिर वो शुरुआत हो गई और फिर मैं रेगुलर नाटक लिखने लगा और फिर परफॉर्म करना शुरू कर। कहाँ हुआ था ये, कहाँ था ये टेरेस आपका? ये अंधेरी में लक्ष्मी इंडस्ट्रियल स्टेट है, वहां पे एक बिल्डिंग थी उसकी छत पे एक रेस्टोरेंट हुआ करता था जो बंद हो गया था। तो उनका छत पे उन्होंने एक ग्लास से कवर्ड एक एरिया बनाया था। तो जिनकी बिल्डिंग थी वो काफी मतलब अच्छे इंसान थे, उनसे हमने बात की तो उन्होंने बोला ठीक है आप कीजिए, कोई किराया वराया का कोई टेंशन नहीं, आप कीजिए जैसे आप करना चाहें। मदन कोटिया नाम था है उनका। तो फिर हमने वहां पे वो कांच का पूरा एक एरिया था तो उसमें बोरे जो अपना बोरा रहता है उसके कर्टन्स लगाए थे और लाइटिंग भी जो थी हमने बेसिक छोटी वाली लाइटें लाके और प्लेटफॉर्म बना के इस तरीके से हमने एक ऑल्टरनेटिव थिएटर शुरू किया था 2012 में, बॉम्बे के सबसे पहले ऑल्टरनेटिव थिएटर स्पेसेस में। और ओपन एयर तो मेरा पहला था जो मैंने शुरू किया था। उसके बाद 2017 में फिर आराम नगर एक जगह है जहाँ पे एक बंगलो को कन्वर्ट करके एक और स्पेस हमने शुरू किया था। तो इस तरीके से ऑल्टरनेटिव स्पेसेस में हमने बहुत सारा काम किया। हमारे बहुत से दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं, सवाल भी पूछ रहे हैं और मैं उनके सवालों तक आऊं। आपके बहुत से मित्र भी हमसे जुड़े हैं इस कार्यक्रम में देख रहे हैं और ये कार्यक्रम फिलहाल तीन प्लेटफॉर्म पे सीधा सीधा प्रसारित हो रहा है, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे और यूट्यूब पे, और सभी प्लेटफॉर्म पे अलग अलग लोग हमसे जुड़े हुए हैं। अब मुंबई में मराठी नाटकों की स्थिति अलग है, जैसे कोलकाता में बांग्ला नाटकों की स्थिति अलग है और वो हमसे काफी मजबूत है। हिंदी के नाटकों की तुलना में मराठी के नाटक ज्यादा प्रभावशाली ढंग से हैं, वो अपने कलाकारों को ज्यादा अच्छा पारिश्रमिक दे रहे हैं और मराठी नाटकों के कलाकार भी स्टार वैल्यू रखते हैं। ऐसा हिंदी के साथ बहुत कम हो रहा है। ऐसा नहीं कि हिंदी के रंगमंच के कलाकार स्टार नहीं है, वो भी स्टार है लेकिन वो वैल्यू नहीं है, ये क्या कारण है? और इसके बाद में अपने कुछ दर्शकों के सवाल लेना चाहूंगा। जी इसका सर मैं एक मेन जो रीजन मुझे लगता है, काफी सारे लोगों ने मेरे से पहले भी ये चीज पूछी है, इसका एक मेन कारण ये है कि जो भी रीजनल लैंग्वेजेस के नाटक है तो उनकी जो ऑडियंस है वो एक कल्चरली जिसको बोलना चाहिए उन सारी ऑडियंस में एक कॉमन कल्चर है। जैसे मराठी नाटक है अगर तो जो मराठी नाटक देखने वाली ऑडियंस है वो अमूमन महाराष्ट्रीयन लोग हैं जिनका एक कॉमन कल्चर है, एक कॉमन थ्रेड है जो उनको बांधता है। और उसमें उनका उनसे उनका जो इतिहास है, उनका जो लिटरेचर है वो भी सारा एक कॉमन फैक्टर है। तो इसके कारण जो ऑडियंस है वो बहुत जल्दी रिलेट कर पाती। हिंदी का एक सबसे बड़ा जो एक फायदा होता है लेकिन जो एक नुकसान इस मामले में वो ये है कि हिंदी महाराष्ट्र में भी बोली जाती है, बंगाल में भी बोली जाती है, पूरे इंडिया में लोग हिंदी के ऑडियंस है और सब अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड वाले लोग हैं जो हिंदी बोलते हैं और हिंदी समझते हैं। तो एक कल्चरली यूनिफाइड ऑडियंस नहीं, जैसे बंगला लिटरेचर जो है या बंगाल का इतिहास है, बंगाल की जो संस्कृति है, अब अगर बंगाली नाटक में खेल रहा हूँ तो मैं अगर उनमें से कोई भी चीज उठाता हूँ, लिटरेचर का कुछ उठाता हूँ या इतिहास का कुछ उठाता हूँ, तो जो बांग्ला समझने वाले या बांग्ला बोलने वाले लोग हैं वो फौरन उस चीज से रिलेट कर सकते हैं और वो अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वो लोग उस चीज को देख रहे हैं। लेकिन अगर मैं हिंदी में कोई चीज उठाता हूँ तो जो बंगाल में हिंदी बोलने वाले हैं या महाराष्ट्र का ही, जैसे आपने बोला कि बॉम्बे में एक तो मेजोरिटी हिंदी स्पीकिंग जो ऑडियंस है वो ऐसी है जो बाहर से आई हुई है और जो कामकाज के लिए यहाँ आई हुई थी, तो उनका मेन जो फोकस हमेशा से रहा है वो एक जो बॉम्बे की भागदौड़ वाली लाइफ और वर्क और उसकी तरफ रहा है। उसमें से एक सेट ऑफ ऑडियंस है जो हमारी फिल्म लाइन से रिलेटेड था जो धीरे धीरे एक थिएटर का रेगुलर ऑडियंस बन गया है या आजकल की नई जनरेशन में काफी सारे लोग है जो बन रहे हैं। बट एक जो अमूमन मोटे तौर पर जो एक ऑडियंस हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस थी वो इमिग्रेंट्स थे जो जिनका मेन पर्पस बॉम्बे आने का था कि रोजी रोटी कमाना। तो उनमें वैसे भी बहुत ज्यादा फोकस इस चीज को लेके था नहीं। मराठी की ऑडियंस क्योंकि यही के नेटिव्स हैं, एक कॉमन कल्चर है, एक कॉमन लैंग्वेज है, एक कॉमन हिस्ट्री है जो बांधती है लोगों को। तो और गुजराती, मराठी और बंगाली जो एक परिवेश है उसमें बचपन से ही ये लिटरेचर का
या नाटक देखने का या संगीत का जो एक कल्चर वो रहा ही है, गुजराती फैमिलीज में नाटक देखने का, बंगाली में लिटरेचर का, मराठी में म्यूजिक का एक जो वो रहता है, जैसे मतलब सो मच सो कि दिवाली पर अर्ली मॉर्निंग कल्चरल म्यूजिक का एक प्रोग्राम होता है जिसमें फैमिलीज बाकायदा तैयार होकर देखने जाती है। तो बचपन से ये कल्चर इनहेरेंट लोगों में भी रहा है, तो उसके जी कारण वो एक अपनी नेटिव लैंग्वेज से बहुत जल्दी रिलेट कर पाते। हिंदी क्योंकि हर कोई हिंदी बोल रहा है, तो फिर मेरे इंटरेस्ट की अगर कोई चीज है या मेरे पास ऐसा टाइम है तो मैं बोलूंगा हाँ चलो ठीक है देख ले। दूसरी एक और चीज ये रही है कि हिंदी नाटकों में एक और चीज जो मराठी में गुजराती में मैंने देखी वो ये रही है कि नाटक जो है वो उन्होंने पहले कॉमन ऑडियंस को अपने साथ जोड़ा, उन्होंने नाटक को बहुत क्लिष्ट नहीं बनाया, उन्होंने नाटक को एलीट नहीं बनाया। हिंदी में एक गलती जो मुझे लगता है बहुत मोटे तौर पर वो हुई कि नाटक को बुद्धिजीवी लोगों का एक माध्यम बना दिया गया, जो कि एक आम आम आदमी से अगर आप हिंदी नाटक का बोलोगे तो वो लगा रहे 2 घंटे तक वो सर पकाओ, लंबे लंबे डायलॉग बोलेंगे, चिल्ला चिल्ला के डायलॉग बोलेंगे, बिकॉज उसको एक बहुत बहुत ज्यादा बुद्धि कॉमन ऑडियंस को उतने अच्छे से नहीं जोड़ पाए, उसके कारण थोड़ा सा एक ऑडियंस का एक हल्का सा वो रहता है कि यार 2 घंटे कौन बैठेगा। तो अगर हम एक कॉमन ऑडियंस को जोड़ पाते, बाद में फिर हम अगर हैवी टॉपिक्स भी लोगों को देते तो क्योंकि उनको ऑलरेडी आदत पड़ चुकी होती नाटक देखने, तो वो उस चीज को आराम से जज्ब कर पाते। तो हमने शुरू से इतना हैवी टॉपिक्स लोगों के सामने रखे जो एक कॉमन ऑडियंस थी वो नहीं जुड़ पाई। तो ये एक प्रमुख कारण रहा है कि मराठी, गुजराती, बंगाली, आपने जो बोला बॉम्बे में मराठी से भी ज्यादा गुजराती नाटकों का जो एक कल्चर है या जो जी उनका एक जिसको बोलना चाहिए सेटअप है वो और ज्यादा वास्ट है। मतलब गुजराती नाटक अगर अच्छा नाटक है, हिट हुआ, तो महीना भर बॉम्बे में शोज करेगा, उसके बाद एक महीना उसका US टूर होगा, एक महीना उसका UK में टूर होगा, मिडिल ईस्ट जाएगा, ऑस्ट्रेलिया जाएगा, बिकॉज सब जगह वो ऑडियंस है और सब में वो नाटक देखने का उतना कल्चर है और उनको एक अपनी एक लैंग्वेज का वो है। तो वो एक हिंदी में थोड़ा सा कहीं ना कहीं नहीं हो पाया, इसलिए इतनी ऑडियंस नहीं। हमसे बहुत से दर्शक जुड़े हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उनके पास उनके बिल्कुल सवाल और उनका दुआ सलाम भी स्वीकार करते हैं। कमल परमार जी नमस्कार कर रहे हैं, उनका स्वागत है। लक्ष्मीकांत पंडित जी भी हमसे जुड़े हैं, सवाल कर रहे हैं वो। हमने फिल्मों में आने के लिए स्ट्रगल की कहानी सुनी है, पर रंगमंच में किस प्रकार के संघर्ष करना पड़ता है? बहुत अच्छा सवाल है, पहली बार किसी ने मुझसे रंगमंच को लेके यह सवाल पूछा है। रंगमंच को लेके जो सबसे बड़ा स्ट्रगल जो रहता है वो इंसान का खुद का रहता है, बिकॉज रंगमंच में बहुत ज्यादा डेडिकेशन चाहिए। थिएटर में अगर आपको अगर सही तरीके से आपको थिएटर करना है तो सबसे मेन चीज ये रहती है कि आपको अंदर से रेडी होना चाहिए कि मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, मुझे ये चीज सीखनी है। फिल्मों में आदमी जाता है एक ग्लैमर के साथ जाता है कि भाई मेरे को हीरो बनना है, मेरे को पर्दे पर दिखना है, मैं अच्छा दिखूं, लोग मेरी तारीफ करें। थिएटर में जब आदमी जाता है तो वो कुछ सीखने के हिसाब से कि भाई मुझे एक्टिंग सीखनी है, मुझे स्टेज पे परफॉर्म करना है, और थिएटर में डेडिकेशन बहुत ज्यादा चाहिए। तो वहां पे एक स्ट्रगल खुद के साथ होता है कि शुरुआत में जैसे मैंने जब ज्वाइन किया था तो मुझे 1 साल तक कोई काम नहीं मिला, मैं 1 साल तक सिर्फ रीडिंग में बैठ रहा था, चाय वगैरह सर्व कर रहा था, एक आध नाटक में छोटा मोटा रोल किया था, बट पहले साल मैंने किसी भी बड़े नाटक में कोई भी बड़ा किरदार नहीं किया, बैकग्राउंड में था, कोरस में था। तो थिएटर में ये जो एक चीज है कि आप रेडी रहो कि आपको बैकग्राउंड बैक स्टेज पे काम करना है, आपको सेट का काम करना है, लाइट का काम करना है, या आपका काम ही है कि आप रिहर्सल में सिर्फ ये ध्यान रखोगे कि किस एक्टर को पानी चाहिए, किसको चाय चाहिए, आप सेट बनाने वालों के साथ हेल्प करो कि भाई कहाँ पे क्या ठोका पिटी करनी, कील लगानी, कॉस्ट्यूम वालों की हेल्प कर रहे हो। तो वो और उसे मैं स्ट्रगल नहीं कहूंगा, मैं उसे एक लर्निंग पीरियड कहूंगा कि वो अगर आपने निकाल दिया 1 साल 2 साल, और क्योंकि नाटकों में एक सबसे अच्छी चीज जो रहती है कि आप जितना देखते हो उतना सीखते हो, जो आजकल लोगों में वो चीज कम होती चली जा रही है, सबको आते से ही पहले कैरेक्टर परफॉर्म करना या स्टेज पे आके एक्टिंग करनी रहती है। तो वो जो एक स्ट्रगल है वो मेरे हिसाब से जो थिएटर ग्रुप चला रहा है उसकी ज्यादा स्ट्रगल है कि उसको ऐसे लोग मिले जिन्हें वो 1 साल तक प्रिपेयर कर सके और फिर उसके बाद स्टेज पे ला सके, बिकॉज पहले दिन से हर आदमी को स्टेज पे आना होता है। तो वो एक स्ट्रगल है कि स्ट्रगल नहीं है, एक वो लर्निंग का एक पीरियड। जैसे पुराने समय में उस्ताद लोग जो होते थे वो 3-4 साल तक तो आपको रियाज में भी नहीं बैठने देते थे। जनरली हम जितने भी बड़े गायकों की या सिंगर्स की या म्यूजिशियंस की बात करें, सबकी कहानी ये रहती है कि 4 साल तक हम उस्ताद के घर पे बर्तन मांजते थे या झाड़ू लगाते थे या करते थे, 5वें साल में उन्होंने बोला ठीक है दरवाजे के बाहर बैठ के तुम रियाज सुनो, और फिर उसके बाद 6वें 7वें साल से फिर धीरे धीरे उन्होंने सिखाना शुरू किया। तो वो जो एक पीरियड रहता है जो आपकी तड़प को बढ़ाता है,
वो थिएटर में बहुत जरूरी है, वो इंटरनल स्ट्रगल रहता है कि क्या आप वो करने को तैयार हो, वो वैसी और कोई स्ट्रगल। और दूसरी चीज ये है कि इतना टाइम जब आप कर रहे हो तो या तो आप कुछ एक अपना दिन में जॉब करो रात में थिएटर करो, और या तो फिर आपके पास ऐसे साधन हो कि कम से कम पैसे में भी आप गुजारा कर सको, तो वो एक फाइनेंशियल वाला एस्पेक्ट तो हर चीज में रहता है, बट मेन ये इंटरनल स्ट्रगल है कि आप उस लर्निंग से गुजरना चाहते हो। समीर नमस्ते समीर जी। चिचवड़कर जी आपको नमस्ते कर रहे हैं। नमस्ते समीर जी, प्रदीप कुमार मिश्रा और प्रिय राज जी भी हमको नमस्ते कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। नीलम रंधावा जी हैं हमारे साथ जुड़ी हैं, देहरादून से हैं, वायुसेना अधिकारी के परिवार से हैं, वो हमारे कार्यक्रम में जुड़ी हैं। जिज्ञासा झा का कहना है कि रोहित वाज ऑलवेज डिटरमाइंड एंड ही कुड अचीव इट। आपकी तारीफ कर रही है जिज्ञासा जी, हमारी हाँ जिज्ञासा जी कलीग मेरी पुरानी कलीग हैं, हम लोग इंदौर में सेम ऑफिस में काम किया करते थे, तो तब से मैं काफी टाइम से जानता हूँ। थैंक यू सो मच, और हमेशा से काफी एनकरेजिंग रही हैं वो। थैंक्स अ लॉट। जी। एक सवाल समीर का है, समीर चिचवड़कर का, कि आंख के अंधे था क्या पहला नाटक? जी हाँ, आँख के अंधे पहला नाटक था, जो सबसे पहला नाटक मैंने लिखा था, और उसका एक वर्जन समीर जी ने भी परफॉर्म किया था। रेडियो मिर्ची की हाँ, टीम को भी मैंने डायरेक्ट किया था एक इवेंट में, तो परफॉर्म कर चुके हैं। शिवम भारद्वाज पूछ रहे हैं इंदौर कब आ रहे हो? मैं शिवम जी बहुत जल्दी आ रहा हूँ, अगर सब कुछ ठीक रहा तो शायद मिड जनवरी में ही मैं एक बार इंदौर में रहूंगा। जी। विनय झेलावत मशहूर वकील हैं, एडवोकेट हैं, वो पूछ रहे हैं आपने इंदौर के किस ग्रुप के साथ और किन कलाकारों के साथ काम किया। कृपया यह बताएं कि सुशील जौहरी के इतने महत्वपूर्ण योगदान के बाद भी वे सर्वोच्च शिखर तक क्यों नहीं पहुंचे। ये विनय जी का सवाल है कि सुशील जी सर्वोच्च शिखर तक क्यों नहीं पहुंचे। ये हर एक का अपना अपना नजरिया है, सर्वोच्च शिखर की का भी कोई पैमाना नहीं है वैसे। विनय जी, मैंने शुरुआत ड्रामा स्कूल से की थी इंदौर में, उसके बाद मैंने अपना खुद का ग्रुप शुरू किया था 2007 में, जिसका नाम थिएटर वालाज है, और अभी भी हम लोग बम्बई में और इंदौर में भी शो कर चुके हैं, पूना में कर चुके हैं, और बॉम्बे में तो रेगुलर हम लोग शोज करते ही रहते हैं। तो मैंने अंकित शर्मा, गीतिका श्याम, नुमान आजम, राकेश शर्मा, इदराक, फिर आयुष सक्सेना, काफी सारे कलाकारों के साथ काम किया है। चैतन्य शाह, रवि जोशी, इन सभी कलाकारों के साथ मैंने इंदौर में काम किया। और जैसे कि आपने सुशील जी का बोला, तो अगेन जैसे प्रकाश जी ने बोला कि एक तो सबसे पहली चीज सर्वोच्च शिखर का पैमाना, और दूसरी एक और चीज ये रहती है कि थिएटर एक बार जब हम करने लगते हैं तो उसमें एक जो बहुत अच्छी चीज लाइफ लेसन जो ये है कि एक पॉइंट ऐसा आता है जब आप उस काम को एंजॉय करते हो, उसके बाद फिर आप वो भूल जाते हो कि भाई मैं टॉप पे हूं कि नहीं, मेरा नाम यहाँ छप रहा है कि नहीं, मेरे बारे में यहाँ बात हो रही है कि नहीं। सिर्फ वो जो स्टेज पे पहुंच के परफॉर्म करने की जो एक जो एक एक जो क्या बोलना चाहिए एनर्जी जो मिलती है, वो अपने आप में इतनी सुंदर होती है, इतनी बढ़िया होती है कि फिर आपको इस सब चीजों से कोई लेना देना नहीं रहता कि यार मैं कहाँ पहुंचा या कहाँ नहीं पहुंचा। मुझे एक स्टेज पे परफॉर्म करने को मिल जाए तो मैं खुश हो जाता हूँ। तो मुझे लगता है शायद जौहरी जी के साथ भी यही होगा कि वो उस लेवल पे पहुंच चुके हैं जहाँ अब उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि यार यहाँ पहुंचा या सर्वोच्च शिखर या जो आपने बोला। ऑब्वियसली इंदौर में सब लोग जानते हैं, बाहर भी उनको जानते हैं, लेकिन वो आई थिंक उस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि जहाँ स्टेज पे परफॉर्म करके अपने आप में जो एक हाई रहता है वो मिल जाता है, और उसमें आप खुश हो जाते हैं, और उसके बाद इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि फिर कहाँ नाम छपाया कहाँ नहीं छपाया, कितने लोग बात कर रहे हैं कितने नहीं कर रहे हैं। जो एक ऑडियंस आपके सामने आई है, उनको आपने देखा, उनका रिएक्शन आपको मिला, और उससे ही इतनी खुशी मिलती है कि फिर ये सब बातें शायद बेमानी हो जाती हैं। और उनके साथ भी यही हुआ, वो अभी भी लगातार काम कर ही रहे हैं। तो आई थिंक अपना अपना शिखर रहता है, और शिखर से ज्यादा मुझे लगता है वो संतुष्टि और खुशी जो रहती है वो ज्यादा जरूरी है। एक सवाल भारती कुठियाला जी पूछ रही हैं, मुंबई में विभा रानी जी, उन्होंने रूम थिएटर की अवधारणा पर मुंबई में काम शुरू किया। अपने घर में
ड्राइंग रूम में कुछ लोगों को बुलाकर रंगमंच की प्रस्तुतियां करने का काम शुरू किया है। क्या परिचित है इस जानकारी से और क्या कहेंगे इस पर? जी ये दिल्ली से ये अवधारणा, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये दिल्ली में शुरू हुआ था छोटी छोटी जगहों पर। और जैसा मैंने अभी बताया था, मैंने मुंबई में रूम थिएटर की तर्ज पर टेरेस थिएटर जिसको बोल रहे या ऑल्टरनेटिव थिएटर स्पेस है, उसकी शुरुआत 2012 में की थी। और वो इसीलिए की थी क्योंकि दिल्ली में जैसे बहुत सारी जगह है जहां परफॉर्म कर सकते हो, आपका छोटा ग्रुप भी अगर है तो उसके हिसाब से भी एक अलग अलग जगह आपके पास है। इंदौर में भी कुछ जगह हैं जैसे अभिनव कला समाज है, महाराष्ट्र साहित्य सभा है, जो बहुत छोटी जगह है, थिएटर के लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त नहीं है लाइटिंग के हिसाब से, साउंड के हिसाब से, लेकिन फिर भी छोटे ग्रुप्स के परफॉर्म करने के लिए वहां पे थोड़ा बहुत कामकाज किया जा सकता है। मुंबई में ऐसी जगहों की बहुत कमी थी, तो जो थिएटर रूम थिएटर का जो कॉन्सेप्ट था वो तब काफी पहले शुरू हुआ था, लेकिन फिर वो ज्यादा लंबा चल नहीं पाया था। फिर क्योंकि बंबई में आपको पता है एक रूम थिएटर के लिए एटलीस्ट एक थोड़ा सा बड़ा साइज का रूम होना चाहिए। बंबई के घरों के साइज जो है वो आपको पता ही है आजकल कैसे होने लगे, तो वो चीज भी कुछ समय तक चल के जो बड़े आर्टिस्ट थे या जो ऐसे आर्टिस्ट थे जिनके घर थोड़े बड़े थे, जहां जगह थी वहां पे वो चीज शुरू हुई थी, लेकिन फिर बंद हो गई थी। फिर 2012 में हमने छत पे टेरेस थिएटर का कॉन्सेप्ट शुरू किया था, जहां पे लकड़ी के प्लेटफॉर्म्स और नीचे ऑडियंस बैठ के, और हम लोगों ने वो चीज शुरुआत की थी। उसके बाद 2017 तक एक दूसरा थिएटर स्पेस मैंने बंगलो को लेके, उसके बंगलो का जो हॉल था उसको कन्वर्ट करके शुरू किया था। तो वो जो कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छी, मतलब कहते हुए बहुत खुशी हो रही कि जो 2012 में हमने शुरू किया था, अब बंबई में कई सारे ऐसे ऑल्टरनेटिव थिएटर स्पेसेस हैं, छोटे स्पेसेस हैं जहां पे छोटे नाटक परफॉर्म किए जा सकते हैं, 50 से लेके 100 तक की ऑडियंस बैठ सकती है। लेकिन उसमें यही एक चीज है कि एक जो कॉन्सेप्ट, एक दिक्कत जो है वो यही है कि जो शौकिया तौर पे कर रहे हैं उन लोगों के लिए तो अच्छा है, लेकिन जो काफी सारे कलाकार जो यहाँ आते हैं करियर बनाने के लिए, वो एक नुकसान ये होता है कि वो कमर्शियली या फाइनेंशियली वायबल नहीं है वो चीज। वो ऐसा है कि आपने रिहर्सल किया, आपने परफॉर्म किया, 10-20 ऑडियंस 50 ऑडियंस आई, तो वो आपको फाइनेंशियली उतना बेनिफिशियल नहीं होता है। तो हमारा मेन एम ये होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, लेकिन मेन एम अभी भी होना चाहिए कि थिएटर को भी, जैसे आप 200 रुपए का टिकट लेके या 300 रुपए का टिकट लेके फिल्म देखने जब आप जाते हो तो उसमें हिचकते नहीं, उसके ऊपर से फैमिली अगर जा रही है तो आप 200 रुपए का पॉपकॉर्न खरीदते हो, 400 रुपए का कोल्ड ड्रिंक खरीदते हो, तो 1500-2000 रुपए जब आप एक शाम फिल्म में निकाल सकते हो, तो अगर 100 रुपए या 200 रुपए का नाटकों का टिकट है तो वो हिचक ऑडियंस के मन निकालने की, वो बेझिझक जा सकें। और बड़े शहरों के अलावा इंदौर है या ऐसी जगह जो है जहां नाटकों को स्पॉन्सर मिल सके, जैसे मैं काफी टाइम से कोशिश कर रहा हूँ नाटक करने की, लेकिन क्योंकि आर्टिस्ट को लेके आना, ट्रेवल का कॉस्ट, सेट का कॉस्ट, ऑडिटोरियम का कॉस्ट, तो स्पॉन्सर्स नहीं मिल पाते हैं। तो रूम थिएटर जो है शौकिया तौर पे करने के लिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप अलग अलग छोटे छोटे लेवल पे लोगों को जोड़ सकते हो, लेकिन नाटक को अगर कमर्शियली वायबल बनाना है, उसको एक ऐसी विधा बनाना है कि आदमी सिर्फ नाटक करके सर्वाइव कर सके, उसके लिए भी हमें बहुत सारे एफर्ट्स चाहिए और बहुत सारा सपोर्ट ऑडियंस का भी चाहिए, और मे बी कॉर्पोरेट्स या ऐसे लोग जो हेल्प कर सके उनका सपोर्ट भी चाहिए। इंदौर में भी प्रांजल क्षेत्री ने टेरेस थिएटर की शुरुआत की है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। अच्छा। और अच्छा। और वो छत पे, उनके अपने ही घर की छत पे उन्होंने ये प्रयोग शुरू किया है और काफी लोग उसे देख रहे हैं, लोकप्रिय हो रहा है ये प्रयोग। एक सवाल पूछा है शिवम भारद्वाज जी ने, रंगमंच के प्लेटफॉर्म को लोग यूज करके फिल्म में निकल जाते हैं और थिएटर को उतना महत्व नहीं देते, उतना महत्व नहीं मिलता, ऐसा है क्या? क्या कहेंगे शिवम जी? देखिए ये होता है, लेकिन इसके लिए मैं कलाकारों को भी दोष नहीं दूंगा, क्योंकि जैसा मैंने अभी बोला कि थिएटर करना एक बहुत महंगा शौक है एज ए ग्रुप ऑल्सो, क्योंकि मैं इतने सालों से ग्रुप चला रहा हूं तो मुझे पता है कि जब मैं आर्टिस्ट को पे भी करता हूं तो मुझे पता है कि मैं उनके साथ जस्टिस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि एक एक साधारण से साधारण नाटक को खड़ा करने में कम से कम 1 महीने का टाइम लगता है। अब उस 1 महीने में हम लोगों को रोज कम से कम 3-5 घंटे रिहर्सल करनी पड़ती है, तो वो जो कलाकार, जो आदमी अपना 3-5 घंटे का टाइम दे रहा है। और दूसरी एक और चीज ये है कि अगर नाटक की रिहर्सल चल रही है, नाटक की डेट्स हैं, तो उस समय वो फिल्म या टीवी का कोई और काम नहीं ले सकता, जिसमें वो एक दिन में 5,000 से 10,000 या 20,000 डिपेंडिंग ऑन कितना सीनियर एक्टर है कमा सकता है।
तो एक तरफ वो अपना उधर का पैसा छोड़ रहा है, दूसरी तरफ यहाँ अपनी जेब से पैसा लगा रहा है, क्योंकि बॉम्बे जैसी जगह पर अगर हम पृथ्वी थिएटर में भी नाटक करते हैं और अगर हमारा हाउसफुल भी शो होता है और अगर 10 से 12 लोगों की कास्ट है, तो सारा खर्चे निकालने के बाद हम पर एक्टर मुश्किल से उसको 1,000, 1,200, 1,500 रुपए दे पाते हैं सारी कॉस्ट निकालने के बाद। तो अगर महीना भर 5 घंटे या 3 घंटे कोई आदमी अपना दे रहा है, वो जहां रहता है वहां से वो ट्रैवल करके आ रहा है, वो 3 घंटे रुक रहा है, तो जब आपको ऐसा कोई मौका मिलता है जहां आप थोड़ा सा अच्छा साधन, और क्योंकि एक्टिंग करना हमारा मेन जो जो एक्टर है उसका काम है, उसको अच्छा लगता है कि वो परफॉर्म करे, या तो स्टेज पे करे या कैमरे के सामने करे, तो जब उसको ऐसा मौका मिल रहा है कि जहां वो परफॉर्म भी कर रहा है लेकिन साथ में उसकी जरूरतों का भी ख्याल रखा जा रहा है, उसका घर भी चल रहा है, तो वो ऑब्वियस सी बात है फिल्म या टीवी की तरफ ज्यादा जाएगा। थिएटर से शुरुआत हर कोई अपनी शुरुआत करता है, काफी सारे लोग करते हैं, लेकिन एक पॉइंट के बाद रोजी रोटी जो एक रहती है वो बैंक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है। तो इसीलिए मेरी कॉन्स्टेंट स्ट्रगल यही रहती है कि किस तरह मेरे ग्रुप में जो लोग हैं मैं थिएटर को इतना फिजिबल बनाऊं कि जब एक आदमी नाटक कर रहा है मेरे साथ तो उसको ये टेंशन नहीं कि यार मेरे 4 काम जा रहे हैं, फिल्म का काम जा रहा है, टीवी का काम जा रहा है, बिकॉज अगर उतना नहीं तो कम से कम एक इतना अमाउंट मिल सके कि उसको टेंशन ना हो, उसके आने जाने का खर्चा, उसके इतने दिन का खर्चा निकले। तो ये जो एक चीज है कि निकल जाते हैं, मैं बोलूंगा कई बार मजबूरी में जाना पड़ता है, क्योंकि मुंबई आके आपको पता है कितनी महंगी सिटी है। नीलम हुंडल रंधावा कह रही कि बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, मैं भी थिएटर कर रही हूँ, बहुत मोटिवेशन है आपका। थैंक यू धन्यवाद सो मच। नीलम जी। ममता मल्हार ये पत्रकार हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, वो लिख कह रही हैं बिग बुल, ड्रीम गर्ल और मिशन मंगल में देखा था, अच्छी लगी आपकी एक्टिंग, थैंक यू सो आपकी मच। एक पसंद आई है। आपके एक पुराने मित्र मिले हैं समीर चिंचवाड़कर, कह रहे हैं रेडियो के दिन याद आते हैं। आपने भी आरजे का काम किया है, तो जी बताइए हाँ, क्या मैंने रेडियो का इंदौर में, अनुभव रहा है? मैं बहुत याद आते हैं, मुझे बहुत मजा आया था जब मैंने रेडियो किया था, बिकॉज मैंने जब ज्वाइन किया था तब समीर भाई भी थे वहां पे और भी काफी सारे दोस्त लोग रेडियो में थे, और उस समय रेडियो अपने चरम पे था, रेडियो की जो पॉपुलैरिटी थी वो अपने चरम पे थी, क्रिएटिवली भी बहुत अच्छा काम करने को मिल रहा था, तो बहुत मजा आता था उस समय। और एक जो जिसको बोलना चाहिए कि क्रिएटिविटी जो थी वो उस समय, क्योंकि मैं रेडियो कर रहा था साथ में ही मैं थिएटर कर रहा था, तो दोनों चीजें जो थी वो साथ साथ में चल रही थी और एक दूसरे में मुझे उनके कारण हेल्प भी मिल रही थी, तो मजा तो बहुत आया था रेडियो में, और अभी भी बिल्कुल याद आते हैं समीर भाई के साथ किए हुए दिन, बिल्कुल याद आते हैं वो पूरा माहौल जो था रेडियो का, कहीं भी जाते थे जब तो उस समय एक थोड़ा सा सेलिब्रिटी जैसा ट्रीटमेंट मिलता था तो वो बड़ा अच्छा लगता था, तो है तो ममता मल्हार का अगला सवाल है, बॉलीवुड के कुछ साथियों का कहना है कि यहाँ बिना अंग्रेजी थोड़ा मुश्किल होता है, ये बात कितनी सही है? नहीं, मुझे नहीं लगता इतना मुश्किल होता है। आप कपिल शर्मा को देख लीजिए, पंकज त्रिपाठी जी को देख लीजिए, नवाजुद्दीन जी को देख लीजिए, किसी का भी ऐसा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंग्लिश का बैकग्राउंड या ऐसा बैकग्राउंड नहीं रहा है, सब लोग हमारे जो हमारी फिल्म लाइन की टर्म में हिंदी हार्टलैंड जो बोला जाता है, सब देसी लोग हैं। इंग्लिश जो है वो एक कम्युनिकेशन का ही साधन है मेन, आपका अगर आर्ट, आपका जो आपकी कला है, आप हमें मेन मास्टरी उस पे करनी, और एक एक्टर जो है अगर अपने आर्ट पे अगर आप मास्टरी कर लेते हो तो फिर इंग्लिश भी जो एक चीज है वो एक कैरेक्टर हो, अगर आपको इंग्लिश बोलनी है तो आप ये सोच लो कि आपका कैरेक्टर को इंग्लिश बोलनी है, तो वो ज्यादा आसानी से आप सीख सकते हैं। हम क्योंकि उसको ऐसा हवा बना के लेते, अरे भाषा सीखनी, और वो एक कम्युनिकेशन का माध्यम है और कोई जरूरी अब तो खासकर नहीं है, पहले शायद होता होगा लेकिन अब बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिकॉज बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो आशुतोष राणा जी जो है वो सारे इंटरव्यूज तक हिंदी में ही देते हैं, वो कहीं इंग्लिश में बात भी नहीं करते, तो इतनी जरूरी नहीं है। हाँ, बहुत सारी ऐसी चीजें रहती हैं टेक्निकल या फिल्म से रिलेटेड, जैसे हमारी फिल्म लाइन से रिलेटेड कैमरा को लेके, या टेक्निकल जो शब्दावली है उसमें बहुत सारे शब्द अभी भी, जैसे स्क्रिप्ट है, स्क्रीन प्ले है, कैमरा को लेके जूम है, फोकस है, लेंस है, तो ऐसी चीजें रहती हैं जिनके लिए हिंदी शब्द थोड़े से ज्यादा डिफिकल्ट है, तो वहां पे एक काम काम चलाओ अंग्रेजी की जरूरत है, लेकिन मेन जरूरत यह है कि आपकी जो कला है, आपका जो अगर आप एक्टर हो तो परफॉर्मेंस हो गया, अगर आप किसी और क्षेत्र में हो तो आपका वो जो एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट पे पकड़ ज्यादा जरूरी है, भाषा सेकेंडरी है, क्योंकि अगर आपका काम अच्छा है तो फिर लोग ऑटोमेटिकली आपको आपकी भाषा में बात करेंगे, कोई दिक्कत।
मुंबई में अंग्रेजी आना इसलिए जरूरी कि फिल्म का निर्माता निर्देशक आपसे जो भी एग्रीमेंट करेगा वो एग्रीमेंट अंग्रेजी में करता है वो इंग्लिश और वो में कोई लिखा ऐसा रहता है। हाँ, करता वो पढ़ना आना जरूरी है। हालांकि एग्रीमेंट ऐसा होता है कि अगर आप उसको एक एक शब्द पढ़ने गए तो शायद कोई भी फिल्म साइन नहीं कर पाओगे, क्योंकि इतनी टेक्निकल चीजें रहती उसमें। मेन मेन जो मुद्दे की चीजें वो देख लीजिए, अगर वो आपके हिसाब से है तो फिर साइन कर लीजिए। जी। ये बीमा कराने जैसा है कि बीमे में तो शर्तें लिखी होती है, अगर वो पूरी एग्जैक्टली शर्तें तो कभी बीमा कराने ही समझ ना में भी जाए। नहीं आती। जी, एग्जैक्टली बिल्कुल। आगे किन फिल्मों में आ रहे हैं सुमित मोदी जी, जानना चाहते हैं। मोदी जी, अभी दो फिल्में मेरी रिलीज होने वाली हैं। एक तो 10वीं है, जो अभिषेक बच्चन के साथ, जिसका मैंने बोला। दूसरी फिल्म का नाम है मासूम सवाल। दोनों की डेट्स अभी तक कुछ फाइनल नहीं हुई है, पर होपफुली अगले साल दोनों की दोनों फिल्में रिलीज होंगी, 2022 में। तो मैं भी बस वेट कर रहा हूँ कि जैसे ही रिलीज हो, क्योंकि दोनों ही बहुत इंटरेस्टिंग से टॉपिक्स हैं और दोनों में बहुत अलग अलग कैरेक्टर्स हैं। तो सुमित जी, कहीं अगला सवाल है कि इंदौर में प्ले किए थे क्या आपने? इंदौर में मैंने, जब इंदौर में ग्रुप था तब तो किए थे, लेकिन मुंबई आने के बाद मैं सिर्फ एक ही बार आके इंदौर में परफॉर्म कर पाया हूँ। वो भी एक ग्रुप ने हमें इनवाइट किया था, क्योंकि अब क्या हो गया है कि हमारे जो भी प्लेस हैं, 10 से 12 लोगों की कास्ट है, तो उतने सारे लोगों को लेकर आना, एक दिन भी अगर हम रुकते हैं तो उनका रहना, प्लस हमारा सेट का कॉस्ट, ऑडिटोरियम का कॉस्ट, वो इतना ज्यादा तो नहीं होता, पर एक ग्रुप के लिए थोड़ा सा ज्यादा पड़ जाता है। तो जनरली हम लोग ट्राई करते हैं कि प्राइवेट शोज या स्पॉन्सर्ड शोज हमको मिले। और तो इंदौर में स्पॉन्सर्ड शोज किए हैं, लेकिन ऐसे आम पब्लिक के लिए बहुत अच्छा है कि टिकटेड शोज या एक जनरल शोज किए जाएं। कोशिश जारी है, होपफुली 2022 में बहुत ही जल्द फर्स्ट हाफ में ही कुछ अच्छा करेंगे। कमल परमार जी पूछ रहे, थिएटर एक जुनून है, एक नशा है, तो आपकी निगाह में फिल्में क्या है? देखिए, थिएटर जो है वो नशा है और फिल्म जो है वो चकना है। दोनों का साथ कई में लोग मजा इसका, आता है, नशा जो है वो चकने के बिना मजा नहीं देता है। कई लोग इसका उल्टा भी कह सकते हैं। हाँ, लोग अपने अपना शौक है, लेकिन फिल्में जी फिल्में देखिए, जुनून, थिएटर जुनून है, नशा है, लेकिन फिल्में जो है वो उस नशे को खरीदने का पैसा प्रोवाइड करती हैं। तो वो जो जी नशा जो है वो आप कंटिन्यू कर सकें, उसकी उसके लिए फिल्में करना बहुत जरूरी हो जाता है। लक्ष्मीकांत पंडित जी पूछ रहे हैं, खास तौर पर मध्य प्रदेश सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं आप, नाटक या रंगमंच के लिए सरकार को क्या करना चाहिए बतौर कलाकार ताकि संस्कृति बची रहे? देखिए, काफी सारी चीजें, कुछ छोटे मोटे चीजें, जैसे मैं इंदौर के स्पेसिफिक ज्यादा बोलूंगा, मैं इंदौर से हूँ, मैं चाहता हूँ इंदौर में, क्योंकि जैसे भोपाल में एक थिएटर का कल्चर बन चुका है, काफी सारी वेन्यूज हैं जहाँ परफॉर्म किया जा सकता है, ठीक ठाक वेन्यूज हैं। इंदौर में गिने चुने ऑडिटोरियम्स हैं बड़े, जहाँ नाटक के अलावा बहुत सारी चीजें हो रही होती हैं, और उनकी कॉस्टिंग भी ऐसी है कि हर ग्रुप अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो अगर कुछ छोटी छोटी वेन्यूज ऐसी बनाई जाए नाटकों के स्पेसिफिक, जहाँ पे कल्चरल एक्टिविटीज हो रही है, जैसे भारत भवन बड़ा सेटअप हो गया, उस तरह का एक छोटा सेटअप ही अगर बना दिया जाए। जैसे एक जो जगह मुझे लगती है कि जिसको बहुत अच्छे से डेवलप किया जा सकता है, प्रीतम लाल दुआ सभागृह जो है, वो एरिया जो है एकदम सेंटर में है शहर के, उसके आसपास बहुत सारी खुली जगह है, लाइब्रेरी है पीछे, तो उसको अगर उस तरह की कोई जगह, जैसे ऑडिटोरियम को थोड़ा सा नाटकों, क्योंकि क्या है, ऑडिटोरियम्स नाटकों के स्पेसिफिक नहीं बनते, ऑडिटोरियम जनरल बनते हैं जिनमें सब तरह के प्रोग्राम्स हो जाते हैं, तो उसमें साउंड को लेके, लाइटिंग को लेके कई सारी दिक्कतें आती हैं परफॉर्मेंस में। एक सबसे बड़ी दिक्कत जो सीटिंग की रहती है कि लोग जब बैठते हैं तो पीछे वाले को दिख नहीं रहा है, उनको ऊपर हो के देखना पड़ता है। तो छोटे वेन्यूज ही बनाए जाए, 100 की ऑडियंस के हिसाब से ही बनाए जाए, 150 की ऑडियंस के लिए बनाए जाए, पर अगर दो तीन बनाए जा सके, और जैसे NSD की ग्रांट्स होती हैं, भारत भवन में भी ग्रांट्स मिलती हैं नाटकों के लिए, तो उस तरह का कुछ एक कल्चर जो अभी बहुत लिमिटेड तौर पे या बहुत गिने चुने लोग हैं जो उन चीजों का फायदा उठा पाते हैं, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं। तो एक तो वो चीज की कुछ छोटे वेन्यूज जहाँ पे रेगुलर एक्टिविटीज हो सके, दूसरा करिकुलम में कई सारे आई थिंक एजुकेशन सिस्टम में थिएटर एक करिकुलम है, लेकिन वो स्कूल लेवल पे ही होके खत्म हो जाता है। तो जैसे इंदौर में एक बहुत मेरी बड़ी इच्छा है, बॉम्बे में जैसे वो हालांकि सिर्फ समर्स में होते हैं, लेकिन बच्चों के नाटक होते हैं,
बच्चों के नाटक है, बच्चे देखने आते हैं, वो एक इंटरेस्ट डेवलप होता है। इंदौर में स्कूलों में जो छोटा मोटा हो गया, या किसी बड़े स्कूल ने किसी बॉम्बे के या बाहर के ग्रुप को बुला के नाटक परफॉर्म कर लिया तो हो गया, लेकिन रेगुलर लेवल पे बच्चों के लिए कुछ काम नहीं हो रहा। तो अगर बच्चों के नाटकों का ही कुछ एक इवेंट किया जाए ताकि बच्चे देखेंगे, उस चीज को समझेंगे, उसमें से कुछ का इंटरेस्ट आएगा और वो करना चाहेंगे, तो ऐसी कुछ एक्टिविटीज थिएटर फेस्टिवल टाइप का या वो किया जाए, और कुछ अफोर्डेबल वेन्यूज नाटकों के स्पेसिफिक बनाई जाए, तो आई थिंक बहुत हेल्प मिल सकती है। जी, शिवम भारद्वाज का की सलाह है कि इंदौर के कलाकारों को लेकर थिएटर वालास के प्लेस किए जा सकते हैं इंदौर में, कास्ट कटिंग बिल्कुल के किया जा लिहाज सकता है शिवम। मेरे ग्रुप में थिएटर वालाज में काफी सारे कलाकार इंदौर के ही हैं, जो इस लाइन से जुड़े हुए हैं और जो मुंबई में रह रहे हैं। और मैंने थिएटर वालाज ग्रुप भी मुंबई में जब शुरू किया तभी किया, क्योंकि मैंने 2007 में ग्रुप शुरू किया था, फिर 2008 में मैं एक्टिंग लाइन में बॉम्बे आ गया था। लेकिन जो मेरे ग्रुप के साथी कलाकार थे वो वहां पे काम कर रहे थे, फिर धीरे धीरे, क्योंकि सभी को इस लाइन में जो आना था, धीरे धीरे जब सब लोग यहाँ पे आ गए, तो फिर हमने 2012 में मुंबई में काम करना शुरू किया। तो काफी कलाकार इंदौर के हैं, और बिल्कुल इंदौर के कलाकारों के साथ भी मेरा एक प्लान है कि अगले साल एक महीने भर की या 1.5 महीने की एक वर्कशॉप की जाए, और इंदौर के आर्टिस्ट के साथ वर्कशॉप करके, प्रोडक्शन बेस्ड वर्कशॉप, और फिर उसका कल्मिनेशन जो हो वो नाटकों, एक नाटक में। तो ये कोशिश जारी है। ममता मल्हार का एक सवाल है, वेब सीरीज से फिल्में कितनी प्रभावित हो रही हैं? वेब सीरीज का कंटेंट ज्यादा अच्छा लगता है उन्हें, वो कह रही हैं। ऐसा काम बॉलीवुड में क्यों नहीं दिख रहा जैसा स्कैम 99, महारानी आदि में दिखा था? वेब सीरीज से फिल्मों के कंटेंट पे प्रभाव तो पड़ा है, लेकिन एक और चीज जो है ममता जी, वो है कि फिल्म जो है वो 1.5 से 2 घंटे का ड्यूरेशन का होता है, तो उसमें 1.5 से 2 घंटे में कुछ लिमिटेड कहानी ही दिखाई जा सकती है। वेब सीरीज का फायदा ये है कि आप वेब सीरीज 1 सीजन 2 सीजन 3 सीजन में उसको फैला सकते हो। तो जैसे मिर्जापुर है, फर्स्ट सीजन के 10 एपिसोड हुए, सेकंड सीजन के 10 एपिसोड हुए, अभी थर्ड सीजन भी आएगा। तो उसमें एक बेनिफिट जो रहता है वो ये रहता है कि हम कहानी को बहुत डिटेल में अच्छे से दिखा सकते हैं, काफी सारे किरदारों को इन्वॉल्व कर सकते हैं, तो वो एक फायदा मिलता है। जबकि फिल्म में वही बात हमको सिर्फ 1.5 से 2 घंटे में कहनी पड़ती है, तो कहीं ना कहीं टाइम जो है वो लिमिट बन जाता है। और उसमें फिर जैसे बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे अगर कोई बहुत बड़ा नॉवेल है, अब उस नॉवेल पे अगर मुझे फिल्म बनानी है तो मैं सीरीज बनाऊंगा तो मैं नॉवेल के हर चैप्टर को दिखा सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे उस पर फिल्म बनानी है तो मैं नॉवेल की जो एक सिर्फ ऊपरी कहानी, जो मेन कहानी है, वो उठा के उस पर फिल्म बना देते, तो वो एक लिमिटेशन हो जाती है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली वेब सीरीज आने के बाद फिल्म के कंटेंट पे ज्यादा असर पड़ा है, कंटेंट पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है कि भाई स्टोरी क्या है, सिर्फ गाना बजाना या वो ना होके स्टोरी पे ध्यान दिया जा रहा है, तो असर तो बिल्कुल पड़ा है। एक आखिरी सवाल ले लेते हैं क्योंकि हमारे कार्यक्रम को 1 घंटा होने वाला है। जी। समीर छिछवाड़कर पूछ रहे हैं, एक्टिंग बड़ी एफर्टलेस है आपकी, कैसे तैयारी करते हो? ये आखिरी सवाल, इसके बाद हमारा कार्यक्रम समाप्त होगा। जी जी समीर जी, आई थिंक मुझे लगता है मैं जो टीचिंग करता था वो मेरे बहुत काम आई है। मैंने एनिमेशन और मल्टीमीडिया काफी साल पढ़ाया है इंदौर में ही, और वहां पे जो स्टूडेंट्स के सामने जब मैं किया करता था, तो वो इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए कई तरीके से अलग अलग टेक्निक यूज कर रहे हैं, कभी हंसी मजाक भी कर रहे हैं उनके साथ, कभी टॉपिक को इंटरेस्टिंग भी बनाने की कोशिश जारी रहती थी। तो आई थिंक टीचिंग ने मुझे बहुत मदद की है, बिकॉज वही चीज बार बार अगर आपको पढ़ानी पड़ती है, जैसे कंप्यूटर क्लास में अगर आप पढ़ा रहे हो तो सेम सब्जेक्ट अलग अलग बैचेस को आप पढ़ा रहे हो, तो स्टूडेंट के लिए तो नया रहता है, लेकिन आप हो सकता है 10वीं या 12वीं बार वो महीने में पढ़ा रहे हो वो चीज, तो खुद को भी इंटरेस्टेड रखने के लिए, खुद को बोरियत ना हो, कई अलग अलग चीजें ट्राई करते थे। तो आई थिंक टीचिंग जो थी उसने मुझे बहुत हेल्प की, क्योंकि हर बार अलग अलग लोगों को, अलग अलग टेम्परामेंट के लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचना है ताकि वो लोग सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान दें, तो आई थिंक उस चीज ने मुझे बहुत हेल्प की। और दूसरा, मैं ऑब्जर्व बहुत करता हूँ लोगों को, बचपन से ही, कॉलेज के टाइम से ही थोड़ा सा मिमिक्री करने, मिमिक्री तो नहीं, टीचर्स की एक्टिंग करने की आदत या दोस्तों की नकल करने की आदत थी, और मैं सड़क पे जी, भी जब रहता हूँ तो मैं लोगों को देखता रहता हूँ, ऑब्जर्व करता रहता हूँ, तो वो एक चीज है जो हेल्प करती है। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। मित्रों, आप थैंक यू सर। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, हमसे आप जुड़े। रोहित जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। अगर आप YouTube पर इसे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, इजाजत दीजिए, हमारा ये कार्यक्रम समाप्त हुआ।